गणित का कोना। इस फिल्म में हम 4 साल के बच्चों को गणित के सामान के साथ खेलते हुए देखेंगे। ये सामान मतलब अंकों के पत्ते लगाए हुए वायर के टुकड़े, मणि, रेत से भरे ग्लास और लकड़ी की डंडियाँ। बच्चों को 1 से 5 तक के आंकड़े ठीक से समझ में आए हैं या नहीं, ये दीदी जांचती हैं। ये फिल्म देखते वक्त कुछ बातों पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चों को ठीक से सूचनाएं दी गई हों, तो वो अपने आप और शांत बैठकर खेलते हैं। शुक्रिया, ये ले जाओ। दीदी बच्चों से किस तरह के सवाल पूछती हैं और उनमें गणित के कौन से शब्द इस्तेमाल करती हैं, वो देखिए। बच्चे सोच समझकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लास में लकड़ी की डंडियां लगाते वक्त बच्चे कार्ड के ऊपर बने चित्रों को गिनकर सिर्फ उतनी ही डंडियां उसमें लगाते हैं। गणित का कोना। अब बताओ तो मुझे, तुमने कौन सा खेल खेला? हाँ तेजस, ये इसमें मैंने तीन अच्छा तुम बताओ सानिका, इसमें मैंने 2 डाली और यहाँ इसमें 4 डाली। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें 4 ही रखनी है? यहाँ पर आंकड़ा लिखा हुआ है इसीलिए। हाँ इसीलिए तुमने इन चित्रों को गिना है ना? 1, 2, 3, 4 इसीलिए तुमने इसमें 4 डंडियों को रखा है ना? बहुत अच्छे। और तुमने क्या किया? मोती पिरोए। मोती पिरोए? कैसे पिरोए? मैंने इसमें 5 मोती पिरोए। हाँ तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें 5 पिरोने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 मतलब तुमने क्या किया, इन बिंदुओं को गिना है ना? हाँ गिना। अनुष्का तुमने क्या किया? मैंने इसमें 1 गिना और 1 मोती को पिरो दिया है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मेरे पास 1 अंक है, ठीक है ना? ये देखो कौन सा अंक है मेरे हाथ में? 4। 4 है ना? तो अब हम ये जो ग्लास है इन पर जो अंक लिखे हैं इन्हें हम एक क्रम में लगाएंगे। तो मैं ये अंक, ये ग्लास यहाँ पर रखने वाली हूँ। अब इसके पीछे और इसके आगे के अंक तुम्हें लगाने हैं। अब एक ग्लास उठाओ उसमें से, देखो अंक देखकर उठाना। हाँ ये वाला रखो। अब हम इसे क्रम में लगाएंगे। मैंने अपना ग्लास यहाँ रखा है। देखो तो तुम कहाँ पर रखोगे? ये डबल हो गया तो इसके बाजू में रख देती हूँ।
देखो अब क्रम ठीक से लगे हैं कि नहीं। एक, एक दो चार पाँच। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब मैं तुम सबको एक अंक दिखाने वाली हूँ। तो तुम दोनों को इससे ज्यादा मोती पिरोने हैं और तुम दोनों को कम पिरोने हैं, ठीक है? ज्यादा मतलब चार। तेजस तुम बताओ। चार। चार के आगे? पाँच। वेरी गुड। और इससे कम मतलब? अनुष्का, तीन से कम मतलब? दो। और दो एक। वेरी गुड। तो तुम एक पिरोने वाली हो क्या? पाँच। साइश तुम कितनी पिरोगे? तीन। हमें तीन से कम करने हैं तो फिर दो, वो दो है। कर रही है। तो तुम एक एक पिरोना। इसने दो डाले हैं अभी, चार करने हैं। अब मैं जो अंक रखूंगी तुम्हें उसके सामने ये रखने हैं, ठीक है? तुमने जो मालाएं बनाई है ना, उन्हें उस अंक के बिल्कुल सामने रखनी है। ये मैंने मेरा अंक रखा है। मैं यहाँ रख दूँ ना? मैं यहाँ पर ऐसे। तू वहाँ पर रख। इधर यहाँ। नहीं, इधर रख पर चाहिए। अनुष्का तुमने ठीक से रखा है कि नहीं? देखो। ऐसे। ये यहाँ पर चाहिए। बस। यहाँ चाहिए। पर इस तरफ रखेंगे। हाँ, उधर रखो। तो उसमें से कितने मोती निकालने होंगे ताकि ये चार हो? एक निकालना पड़ेगा। तब चार बनेंगे, है ना? बहुत अच्छे। निकालो फिर उस माला से और फिर उसमें से निकालो। तेजस तेजस वो रहने दो। कितनी मोती ज्यादा डालनी पड़ेंगी? एक। एक तो पिरो उस माला में। उसमें उसमें पिरो। कहाँ पर रखोगे अब उसे? यहाँ पर। बहुत अच्छे। इस फिल्म को देखकर हमने ये बातें सीखी। गणित की अमूर्त संकल्पनाओं को समझने के लिए अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करने से बच्चों को मदद मिलती है। गणित के कोने में बच्चों का खेल होने के बाद उनसे कुछ सवाल पूछकर हम उनके विविध कौशल और आकलन का मूल्यमापन कर सकते हैं। अंकों का ज्ञान जांचते वक्त हम अंकों का क्रम उससे कम या ज्यादा ये पूछकर संकल्पनाओं को दृढ़ता दे सकते हैं।